बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, लंच रेसिपी है, बीट रूट राइस और पनीर मंचूरियन। इस तरह से बनाइए, खाइए। श्रीज होम ब्लॉग्स पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब इस चावल में डालिए इस बीट रूट को और थोड़ा सा नमक। अब इसको अच्छे से मिला के फ्राई कर लेंगे। अब ये 1 गिलास चावल है तो इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे। अब इसको ढक के बीच बीच में 1 2 बार चलाते हुए, ये है 1 गाजर, 2 प्याज, एक को बड़ा काटेंगे और एक को मतलब बड़ा 2-3 पीस काट के इसको छुड़ा लेंगे और एक को छोटा छोटा काटेंगे बारीक। एक टमाटर इसको बारीक काटेंगे और शिमला मिर्ची का एक टुकड़ा है तो इसका बड़ा बड़ा ही पीस काटेंगे। ये थोड़ा सा पनीर है, कल का दूध फट गया था तो बस उतना ही घर में बनाया हुआ है, छोटे छोटे पीस में काटेंगे। किचन का वीडियो और खुद को बनाते हुए गाइस इसी तरह से खाना का आता है, और अगर खाली खाना का बनाते हैं तो पूरा अच्छे से आता है। अगर और इससे भी ज्यादा आपको कलर चाहिए तो और थोड़ा सा बीट रूट दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा देंगे तो फिर उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाएगा, उतना ज्यादा टेस्टी नहीं लगेगा। अब इस पनीर के पीस में थोड़ा सा डालेंगे नमक, बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर। जिस दिन थोड़ा सा लेट होगा तो उस दिन और ज्यादा लेट होगा गाइस। सब्जी मसाला खत्म है, थोड़ा सा ही डालेंगे मिक्स सब्जी मसाला, थोड़ा सा ये गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा ही कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर। ये है कसूरी मेथी, इसको भी डालेंगे इसमें। बहुत थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, बहुत थोड़ा सा ही मैदा, और इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। एकदम हल्का सा पानी डाल के इस तरह से इसको मिला दीजिए।
ही ज्यादा टेस्टी हेल्दी बीट रूट राइस बनके तैयार है गाइस। अब इसको हटा लेंगे। सरसों तेल रिफाइन में भी बना सकते हैं। अब इसमें पनीर को फ्राई करेंगे। अब ये पनीर अच्छे से फ्राई हो गया है, इसको निकाल लीजिए। डालिए ये बारीक कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्ची। अब इसमें डालिए ये एक प्याज बारीक कटा हुआ। और इसी में ये सभी सब्जी को डालिए। बहुत गर्मी है गाइस, बहुत गर्मी। अब इसमें डालिए सब्जी के हिसाब से नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा ये मिक्स सब्जी मसाला पाउडर। थोड़ा सा सफेद मिर्च या काली मिर्च का पाउडर, यह है थोड़ा सा सफेद मिर्ची का पाउडर। और ये बहुत थोड़ा सा तीखा वाला लाल मिर्ची पाउडर। अब ये थोड़ा सा कसूरी मेथी, अब इसी में थोड़ा थोड़ा करके डालिए सभी चीजों को। टमाटर सॉस 3-4 चम्मच डाल दीजिए। थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा ये विनेगर, और सबको अच्छे से फ्राई कीजिए। बहुत सुंदर कलर आता है गाइस, बहुत सुंदर, दिखता नहीं है इतना सुंदर। मोबाइल मेरा पुराना हो गया है तो पूरा अच्छा से जो कलर रहता है वो आ नहीं पाता है। बहुत सुंदर लगता है और कलर से भी ज्यादा बहुत टेस्टी लगता है। तो जरूर से रेसिपी को बनाइए। फिर इसमें पानी डालेंगे। पानी डाल लीजिए अपनी जरूरत के हिसाब से, कम ज्यादा। और इसी में पनीर को भी डाल लीजिए।
एक बर्तन में एक चम्मच कॉर्नफ्लोर को घोल लीजिए। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। अब इसमें डालिए ये कॉर्नफ्लोर, अच्छे से मिक्स करके डालिए और इसको झटपट से मिलाइए। अब इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, बस पनीर मंचूरियन बीट रूट राइस बनके तैयार हो जाएगा गाइस। इस तरह के सब्जी में जब कॉर्नफ्लोर को यूज करते हैं या और भी कोई भी सब्जी में, तो एक चम्मच ही डालिए, जैसे ये छोटा चम्मच है, या फिर एक चम्मच घोल के डालिए और देख लीजिए कि ये कितना गाढ़ा हो रहा है। और अगर लगे कि पानी जैसा लग रहा है तो फिर एक चम्मच डालिए, मगर एक ही बार में कभी भी कॉर्नफ्लोर को ज्यादा घोल के मत डालिए, क्योंकि घर में तो सब्जी थोड़ा ही बनता है, तो जिस जैसे ज्यादा सब्जी रहेगा तो दो चम्मच डालेंगे, लेकिन कभी भी इसको ज्यादा मत डालिए, ज्यादा डालिएगा तो फिर टेस्ट खराब हो जाएगा। सेम रेसिपी बनाएंगे और ये ज्यादा पड़ जाएगा तो फिर आपका वो रेसिपी टेस्टी नहीं लगेगा। तो इस तरह से खाना जब बनाइए तो थोड़ा सा हल्का हल्का सा, जैसे एक चम्मच डाल दिए, कम लग रहा है तो और एक चम्मच डाल देंगे और इसी तरह से घोल के, तो इसी तरह से रेसिपी बनाइए, बहुत टेस्टी बनेगा। अब ये पनीर मंचूरियन और बीट रूट राइस पक्के तैयार है गाइस, फ्लेम को ऑफ कर लीजिए। बहुत ज्यादा गर्मी है गाइस, इसलिए आज चिप्स पापड़ कुछ नहीं बनाए। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है गाइस, बीट रूट राइस और पनीर मंचूरियन।